तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जाता जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जाता जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जाता जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जाता जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ़ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ़ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। ये 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान
तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म, एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है रईस। जी हाँ, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस
अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ़ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वह हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव मूवी रिव्यू की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रईस। जी हां, अगर आप भी शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देख कर सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में रईस मूवी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी रईस मूवी को लेकर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मूवी के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं, इस मूवी में किसने किसने काम किया है, इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के किरदारों के बारे में, इस मूवी के कमाई के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी कई ऐसी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय फिल्म एक्शन थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे। फिल्म में अभिनेत्री सनी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ़ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म काफ़ी बेहतरीन बनी है। यह 24 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को 25 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई थी और फिल्म जो है वह हिंदी भाषा में बनी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान